इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फ्रेंड्स, अगर आपके पास है IQ Z6 Lite 5G का मोबाइल और उसमें आपने अपने फ़ोन का फॉन्ट चेंज कर दिया है, तो आप दोस्तों बदले हुए फॉन्ट को हटाकर फ़ोन का पहले वाला फॉन्ट कैसे सेट कर सकते हैं, मतलब कैसे लगा सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करिएगा और पास वाले दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल के ऑप्शन पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा। चलिए यहाँ पर हम वीडियो को लेते हैं शुरू कर। सो इसके लिए आपको जाना है IQ Z6 Lite 5G मोबाइल फ़ोन के सेटिंग्स में। सेटिंग में जाकर नीचे आना है। नीचे आने पर आपको एक डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे। फिर इसमें आप नीचे आएंगे, फिर नीचे आने पर आपको यहाँ एक फॉन्ट स्टाइल का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे। और इसमें दोस्तों देखिए आपको यहाँ एक ऑप्शन मिल जाएगा दोस्तों डिफ़ॉल्ट का, तो आपको क्या करना है कि ये डिफ़ॉल्ट पर क्लिक कर देना है, फिर अप्लाई पर क्लिक कर देना है, तो आपके फ़ोन का जो ओरिजिनल फॉन्ट होगा दोस्तों वही आपके फ़ोन में सेट हो जाएगा, मतलब आपके फ़ोन में अप्लाई हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे फ़ोन में बिल्कुल ओरिजिनल फॉन्ट जो कि मोबाइल का आता है वही सेट हो गया। इस तरीके से आप बदले हुए फॉन्ट को हटाकर फ़ोन का पहले वाला फॉन्ट लगा सकते हैं। वीडियो पसंद आया है लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा।